एक खुद को ऑलमोस्ट पीएम वे एक ऑलवेज सीएम समझते हैं। राहुल अखिलेश पर जयंत चौधरी का तंज। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कांग्रेस के राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक खुद को ऑलमोस्ट पीएम और दूसरा ऑलवेज सीएम समझते हैं। अखिलेश जी, आपने हमारा एक रुपया मोल बताया, हम आपको शतरंज की ढाई चाल से मात देंगे। आने वाला समय बताएगा कि मैं पलटा हूं या आपको पटखी नहीं दूंगा। सोमवार को सहारनपुर में भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभा में जयंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों से शुरुआत की। जयंत बोले, वर्तमान सरकार चौधरी साहब की मंशा पर कर रही पूरी। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी साहब का सपना किसानों को आगे बढ़ाने और उन्हें जमीनों का मालिक बनाने का था। इन्हीं नीतियों के चलते रालोद एनडीए में शामिल हुआ है। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की मंशा से चौधरी साहब कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे। वर्तमान सरकार इस मंशा को पूरा कर रही है। बिजनौर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ पार्टी प्रत्याशी चंदन सिंह के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने कहा कि रालोद भाईचारे की भावना के साथ काम करता है, अब भाजपा के साथ संगम हो गया है। कांग्रेस और विपक्षियों पर प्रहार करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कई दशक बाद भारत रत्न दिया गया। चौधरी चरण सिंह की भी कांग्रेस ने उपेक्षा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।